दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप HQ बॉलीवुड न्यूज़ की कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज़ में और मैं हूं हारिस कुरैशी। गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि मधुर भंडारकर ने अप्रोच करा है शाहरुख खान को इंस्पेक्टर गालिब के लिए। सबसे पहले बता दूं, मैंने उस वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि इंस्पेक्टर गालिब फिल्म है जिसमें शाहरुख खान पुलिस वाले बनेंगे और सैंड माफियाओं के सैंड माइनिंग जो करते हैं माफिया, उनको वो पकड़ना उनका काम रहेगा। तो भैया, रूमर्स जो है तेजी से बढ़ रहा है कि इंस्पेक्टर गालिब शाहरुख खान कर सकते हैं और उत्तराखंड में इस फिल्म की शूटिंग होगी। ऐसे रूमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रहा है और यूट्यूब में भी हर कोई बता ही रहा होगा कि इंस्पेक्टर गालिब शाहरुख खान कर सकते हैं, उत्तराखंड में शूटिंग स्टार्ट होगी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि जो भी रूमर्स उठता है, सबसे पहले रूमर्स का क्लियर करता हूं मैं। सबसे पहले बहुत सारी बातें क्लियर करूंगा इस वीडियो में, सबसे पहले रूमर्स का क्लियर करता हूं। गाइस, हर बार कई सालों से यही ट्रेंड चल रहा है कि एक बारी में एक रूमर्स नहीं उठता, एक बारी में तीन चार रूमर्स उठते हैं। करंट के जो रूमर्स चल रहे हैं उसमें मैं बता देता हूं कौन कौन से रूमर्स उठ रहे हैं। एक तो ये वाला कि शाहरुख खान इंस्पेक्टर गालिब कर सकते हैं। दूसरा रूमर उठ रहा है कि संजय लीला भंसाली के साथ शाहरुख खान फिल्म कर सकते हैं, उसमें सलमान खान भी होंगे और वो बायजू बावरा का रीमेक होगा। तीसरा रूमर जो बहुत तेजी से ये भी आपकी तरफ फैल रहा है कि शाहरुख खान की अगली फिल्म कुछ भी हो, कोई सी भी हो, डॉन 3 जरूर होगी। डॉन 3 का रूमर भी बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मेरा काम क्या है दोस्तों, मेरा काम यह है कि जो भी रूमर्स उठते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैंने बायजू बावरा पर एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि ऐसा हो सकता है, तो मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अनसब्सक्राइब कर दूंगा, जो तुम्हें मैंने सब्सक्राइब कर रखा है वो छीन लूंगा। तो भाई, मैं हमेशा यही कहता हूं कि हो सकता है। आप मेरे चैनल को तब अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि 100% क्लियर है ऐसा होगा। अगर मैं 100% यूज कर दूं ना और कहूं कि 100% क्लियर है ऐसा होगा और ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि 100% संजय लीला भंसाली के साथ शाहरुख खान फिल्म करने वाले हैं 100%, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब आप मेरे चैनल को बेझिझक अनसब्सक्राइब कर दे सकते हो। भाइयों, यह हमेशा का काम है कि दो तीन रूमर्स हमेशा उठते ही उठते हैं, जिनमें से कुछ सच्चाई हो सकती है, जिसमें से कुछ सच्चाई नहीं हो सकती। अब ये तीन चार रूमर्स उठ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है तीन चार तो फिल्म शाहरुख खान करेंगे नहीं, कोई एक ही फिल्म करेंगे। हो सकता है वो इन तीनों में से एक फिल्म हो और हो सकता है कि वो अलग ही फिल्म हो, इन तीनों में से कोई हो भी ना। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया है रूमर्स का। ये बताना चाहूंगा कि मेरे मुताबिक इंस्पेक्टर गालिब शाहरुख खान सर को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसा कि बता चुका हूं कि रूमर्स है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मेरे मुताबिक, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि इंस्पेक्टर गालिब शाहरुख खान सर को नहीं करनी चाहिए। बायजू बावरा कर लो संजय लीला भंसाली के साथ, वो भी सही है। डॉन 3 कर लो, वो भी सही है, लेकिन इंस्पेक्टर गालिब मत करो। उसका रीजन गाइस यह है कि जो मधुर भंडारकर है वो एक फ्लॉप डायरेक्टर है, जिसकी फ्लॉप फिल्म ज्यादा है, हिट फिल्म कम है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान सर आनंद एल राय सर के साथ फेल हो रहे हैं। आनंद एल राय इतना बेहतरीन डायरेक्टर, जब जीरो साइन हुई थी ना दोस्तों, मैंने कह दिया था इस बार तो आनंद एल राय है, मैंने उम्मीद रख दी थी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आनंद एल राय ने भी गलती कर दी। आनंद एल राय ने गलती क्या करी, आनंद एल राय ने ये गलती करी कि जिस जोन में वो फिल्म बनाते हैं, तनु एट्स मनु रंजना, तनु एट्स मनु रिटर्न, तीनों ब्लॉकबस्टर फिल्म है, लेकिन ये तीनों फिल्में आनंद एल राय ने अपने कम्फर्ट जोन में बनाई है। जीरो में आनंद एल राय अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल गए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जीरो फिल्म को, लेकिन इंडियन ऑडियंस ने जीरो पसंद नहीं करी, ये एक कड़वा सच है। बहुत से लोगों ने जीरो पसंद करी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और एक जीरो अच्छी फिल्म थी ये भी मानता हूँ, लेकिन आनंद एल राय जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तो कुछ बहुत से लोगों ने जीरो फिल्म पसंद नहीं करी। एक रीजन ये भी था कि शाहरुख खान सर को जब जीरो ऑफर हुई थी तो शाहरुख खान सर ने को ये बताया गया था कि आप बोने बन रहे हो और कि कैटरीना कैफ एक एक्ट्रेस बनेगी फिल्म में, अनुष्का शर्मा एक हैंडीकैप लड़की बनेगी, और शाहरुख सर ने पूछा आगे क्या होगा, तो आनंद एल राय सर कहते हैं सर आगे हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसी बात पर शाहरुख खान सर ने साइन कर ली जीरो। मैं मानता हूं यश चोपड़ा सर की फिल्म में शाहरुख खान सर बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर लेते थे, उसमें कोई दोराय नहीं थी, लेकिन हर कोई यश चोपड़ा नहीं होता। इसी वजह से आनंद एल राय सर की फिल्म शाहरुख खान सर ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े एक डायरेक्टर पर भरोसा करते हुए साइन कर ली, कुछ तहकीकात नहीं करी। प्रोड्यूसर होते फिल्म के, चाहते तो वो फिल्म में चेंजेस करा सकते थे,
लेकिन वो आनंद एल राय पर ही डिपेंड रहे, क्योंकि और होना भी चाहिए था, लेकिन आनंद एल राय अपना काम सही से नहीं कर पाए यहाँ पर, जो आपका कंफर्ट जोन था उसके बाद फिल्म बना दी उन्होंने। अरे आप अगर रांझना तनु रिटर्न जैसे फिल्म बनाते हैं तो मानता, क्योंकि क्योंकि कंफर्ट जोन में थी। इसी वजह से जब इतने बड़े डायरेक्टर शाहरुख खान के साथ सामने आकर, अब इन्हें क्या दिखता है, इन्हें देखो मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, आनंद एल राय सर ने कभी भी इतने बड़े स्टार के साथ काम नहीं करा, और यही रीजन होता है जब वो शाहरुख खान के साथ काम करते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ पहले काम कर देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, अपने ध्यान से हट जाते हैं, अब इस स्टोरी से हट जाते हैं, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शाहरुख खान सर है, अब तो मैं कैसे भी फिल्म बना दूं, उल्टी सीधी बना दूं, चलेगी चलेगी, ये वो गलती कर देते हैं। तो इतना बड़ा डायरेक्टर जब ऐसी गलती कर सकता है, तो मेरे मुताबिक एक फ्लॉप डायरेक्टर मधुर भंडारकर को शाहरुख खान के साथ अभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो गलती आनंद एल राय ने करी वो तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं, तो यहाँ ठहरा मधुर भंडारकर, वो तो इतनी सही फिल्म नहीं बनाता, और उसी के साथ जब वो शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाएगा तो मुझे नहीं लगता वो कुछ सही कर भी पाएगा या नहीं। अगर बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, तो पहले शाहरुख खान सर उस स्क्रिप्ट को पहले खुद पढ़ें, अगर क्लाइमेक्स भी पूरा नहीं है ना तो पूरे स्क्रिप्ट मंगाए पहले कि पूरे स्क्रिप्ट ला पहले, जब साइन करूंगा तेरी पिक्चर तो मैं पूरे स्क्रिप्ट पढ़ें, उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाएं अपनी टीम से, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो फ्री पक्का खा रही है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पर उस स्टोरी से इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि क्या ये स्टोरी सही भी है या नहीं, क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर सब कुछ ओके होता है तब जाकर इंस्पेक्टर गालिब शाहरुख खान को सर को साइन करनी चाहिए, वरना नहीं। संजय लीला भंसाली के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है चलेगा, डॉन 3 बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मेरे मुताबिक अगर इंस्पेक्टर गालिब शाहरुख खान सर करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी मेरी बात से एग्री हो या नहीं, अगर एग्री हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, अपनी राय मुझे दे सकते हैं, मुझे मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रॉयल किंग हारिस मेरा यूजर नेम है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी प्रोफाइल का, वहां जाके आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।